चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि वामपंथी हमेशा लोगों को गुमराह कर सरकार बनाते हैं और अब लोगों ने बीजेपी के प्रति आस्था जताई है। वहीं इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में जल प्रबंधन की योजना पर सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एसयूआईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। झज्जर में अपने निवास पर पूर्व शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक गीता भुक्कल का कहना है कि सोमवार से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को आईना दिखाएगी, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। भुक्कल ने कहा कि दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मीटिंग कर विचार विमर्श किया जाएगा कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए। वहीं इस मौके पर गीता भुक्कल ने हुड्डा की रथ यात्रा पर सवाल उठाने वाले कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बढ़ते कद को